कल रात तो जुबली स्टोर नंबर 15 आया था ना। अरे है कौन तू? ये तो माटा लाबो TS 555 गाड़ी तू ही चला रहा था ना, कल रात तू जुबली से आया था ना। छोड़, ये अपनी दादागिरी कहीं और चला। तेरे को अब तक दादागिरी दिखाया नहीं, तेरे को तेरा जान प्यारा नहीं है क्या? शराफत से पूछ रहा है, सीधा सीधा बोल। मैं बता दूं, वो मैं नहीं था। कौन था? मेरा दोस्त था, 5454 एम्बुलेंस वही चला था और जुबली हिल्स वही गया था। अभी कहाँ है वो? अरे अभी यहीं से गया ना वो देखो वहां से। हेलो दीदी, 2.5 घंटे से वेट कर रहे, ये डॉक्टर अभी तक नहीं आई, आपको लगता है वो आएंगी? आप राजा को ढूंढ रही हैं? जी। वही राजा जो एम्बुलेंस ड्राइवर है? हाँ। आप डॉक्टर रम्या है? हाँ। क्यों मिलना है आपको राजा से? एक्चुअली वो मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। क्या नाम है आपका? पल्लवी। गाड़ी रोक, ये एम्बुलेंस ड्राइवर तेरे को बोल रहा है, गाड़ी रोक। ऐसे क्यों देख रही है मुझे? आप जानती है मुझे? तुम्हें तो नहीं, लेकिन इस नाम को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, बहुत कॉमन नाम है ये। लेकिन राजा के लिए ये नाम कॉमन नहीं, वो तो अक्सर ये नाम लेता रहता है। राजा? एक्चुअली ये जगह सही नहीं है बात करने के लिए, पास ही में मेरा क्लिनिक है, चलो। नेटवर्क क्यों ना आ रहा? ये आदमी कहां गया?
मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन तेरा हर एक मूवमेंट मेरे को सुनाई देता है। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। क्या हो गया दीदी? राघव, पल्लवी तुम यहाँ क्या कर रहा है? मंदार, पानी दो मेरे को, मेरे को नहीं दिख रहा है। राजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आदमी मेरे पीछे पड़ा था, वो विष्णु ने फोन करके बताया कि मेरे एम्बुलेंस के पीछे पड़ा है और यहाँ के मुझे मारने लगा। पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम है। क्या लोग मुझे जानते हैं? ये लोग कौन है? एक मिनट, तुम शांत हो जाओ। ये लोग कौन है हम सब बताते हैं। पल्लवी, ये कौन है? आई एम राघव राव, और मैं मंदार को ढूंढ रहा था, इसलिए इसका पीछा कर रहा था मैं। तुम मंदार को ढूंढ रहे थे? हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी मंदार को ढूंढ रही थी। पर तुमने मेरे को बताया नहीं। अम्मा, ये लोग क्या बोल रहे हैं? एक शायद हम सबके मन में बहुत सारे सवाल है। वैसे भी लोगों को काफी चोट लगी है, पहले तो मेरे क्लिनिक चलते हैं, यहाँ पास में आराम से बैठ के बात करते हैं। राजा, तुम भी आ जाओ, शायद आज तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाए। मंदार जिंदा है? हाँ, अभी कंफर्म नहीं है, डाउट है। मतलब अगर मंदार जिंदा है तो सनी पे कोई पुलिस केस बनेगा ही नहीं, मतलब वो पुलिस पुलिस के चक्कर से फ्री हो जाएगा। कीर्ति, मैं तेरे से पल्लवी और राघव के बारे में बात कर रहा है और तेरे को सनी का पड़ा है? सनी के सिवाय तेरे को कुछ और नहीं सोचता है क्या? दिन भर बस सनी 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 सनी। अरे सोच, अगर मंदार जिंदा हुआ तो राघव और पल्लवी का क्या होएगा? कुछ भी हो अम्मा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पल्लवी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब वो जिए या मरे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है? किस एहसान की बात कर रही है अब अम्मा? उस पल्लवी ने आज तक आपके लिए, मेरे लिए या इवन भाई के लिए कभी कुछ किया है? उसे तो हमेशा अपने एक्स हस्बैंड के फैमिली के बारे में ही पड़ी रहती है, हमारे बारे में तो कुछ सोचती भी नहीं है। वो एक आप ही अम्मा जो हमेशा उसकी फिक्र में घुलती रहती है, वो तो आपकी तरफ देखती भी नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये पल्लवी आखिर चाहती क्या है। पहले तो इसका एक भी पति नहीं था, अब तो दो दो पति लेके घूमने का शौक हो रहा है मैडम को। कीर्ति, मैं जानती हूँ कि हम सब लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं,
तो शुरुआत मैं करती हूँ। आज से ठीक 2 साल पहले कुछ लोकल लोगों को राजा जंगल में मिला था। एकदम जख्मी हालत में था, उसके पूरे शरीर पे गहरे चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ऊंचाई से गिरा था ये। वे जी जान लगा के इसकी जान तो बचा ली और काफी दिनों तक ये बेहोश रहा। जब एक दिन इसे होश आया तो मुझे पता चला कि सर पे गहरी चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो चुका है। तब मैंने इसका नाम राजा रखा। जब ये ठीक हो गया तो ना ही इसके पास रहने के लिए घर था, ना जाने के लिए कोई ठिकाना। तो मैंने इसे अपने आउट हाउस में रहने के लिए जगह दे दी। जब राजा पूरी तरह से ठीक हो गया तो मैंने ब्लड बैंक में एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी इसे दिला दी। मैं तो खुद 2 साल से इसी कोशिश में हूँ कि इसके परिवार का कुछ पता चल जाए, लेकिन इसे तो कुछ याद ही नहीं रहा सिर्फ पल्लवी नाम के सिवा। पर अम्मा, ये लोग है कौन? राजा शायद यही तुम्हारे परिवार है। लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ ना कि ये मंदार है। पल्लवी, ये टाइम इमोशनल होने का नहीं है, प्रैक्टिकल होके सोचने का है। ना हम लोग इनको जानता है, ना हमको इनके बारे में पता है। ऐसे कैसे किसी का बात मान ले? और तुम डॉक्टर है क्या मदर टेरेसा? तुमको एक रैंडम आदमी मिला, उसका इलाज किया और खुद का घर पे रख लिया। ना पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना FIR, ना इन्वेस्टिगेशन। अगर एक क्रिमिनल हुआ तो यो मिस्टर राघव, देखिए इस फाइल को, इसमें राजा के केस से रिलेटेड हर डिटेल मिलेगी आपको। ये यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन विकाराबाद में एक मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी मैंने। और तो और, ये रहा यहाँ का न्यूज़पेपर, इसमें भी मैंने मिसिंग कॉलम में राजा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। अच्छे से चेक कर लीजिए। लेकिन मैंने तो कभी कोई न्यूज़पेपर मैड नहीं देखा था। हाँ, मैंने ये लोकल तेलुगु न्यूज़पेपर में इसकी रिपोर्ट करवाई थी, क्योंकि ये मुझे यही मिला था तो मुझे लगा ये आसपास ही कहीं होगा। इसके छानबीन भी लोकली करवाई थी मैंने। और कुछ जानना है आपको मिस्टर राघव? तुम्हारे 5-10 पेपर का वैल्यू नहीं देता मैं इसका DNA टेस्ट करवाएगा, उसके बाद ही मानेगा। फाइन, DNA टेस्ट करवा लेते हैं। पल्लवी, टेस्ट जब होगा तब होगा, इसमें वक्त लगेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि तुम इसे इसकी फैमिली से मिला दो, हो सकता है उन्हें देख के या अपने घर को देख के इसकी याददाश्त वापस आ जाए। ऐसे कैसे घर लेके जाएंगे? मैं नहीं मानता। राघव, तुम क्यों इतना शक कर रहे हो? ट्रस्ट मी, इस सिचुएशन में मैं तुमसे ज्यादा शॉक्ड हूँ, लेकिन हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि हूबहू मंदार जैसा दिखता है। हाँ तो ऐसे कैसे किसी को उठा के घर लेके जाएंगे? पल्लवी, तुमको क्या हो गया है? ये मंदार के बारे में बात है, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। अम्मा, मैं इस आदमी के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तेरे को पूछा भी नहीं है और तेरे को कहीं लेके भी नहीं जा रहा है। तेरे बारे में सच पता करना है ना, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। Because I am Raghav Rao और मैं कुछ भी कर सकता है। कुछ करके तो देख। मेरा नाम भी राजा है, हरे गरे की बात नहीं मानता मैं। अच्छा, रिलैक्स, तुम वैसे भी राघव के साथ नहीं जा रहे हो, तुम तो पल्लवी के साथ जा रहे हो। ये तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों से मिलाएगी और तुम इस पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों पल्लवी, ये तुम पे ट्रस्ट कर सकता है ना? We'll be right back.
साफ कर रहे हैं। क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? दादा मैं आपके कमरे की साफ सफाई कर रही थी तो ये कबाड़ वाला सूटकेस नीचे गिर गया। ये कबाड़ नहीं है, मंदार की यादें हैं ये सब, जो शारदा ने इतने सालों से संभाल कर रखी है। हफ्ते में एक बार शारदा इन सब चीजों को साफ करती है, उनसे बात करती है और इन्हीं के जरिए अपने बेटे को अपने से करीब रखती है। वो खैर, तुमसे मेरा कमरा साफ करने के लिए किसने कहा था? दादा वो मैं। निकलो अभी के अभी, निकलो यहां से। जी थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं लगी, पहले वाली ही ठीक नहीं हुई, ऊपर से वापस लग गया। तुम्हारा लॉस्ट एंड फाउंड लड़के का मेहरबानी है। चलो ये है राजा का बैग, डिक्की में रख दीजिए आप। अरे राजा रुक जा, दे दे मैं रख देता हूँ। अरे मैं तेरा असिस्टेंट था और हमेशा रहूंगा, आज भी मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? ठीक है। थैंक यू मैम, आप कार से चले जाइए, मैं ऑटो से पीछे आता हूँ। चलो राजा बैग रखते हैं गाड़ी में, आ जाओ। पल्लवी, राजा के लिए ना ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, इसलिए तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि इसे कोई भी बड़ा शॉक या मेंटल स्ट्रेस ना हो। जी। पल्लवी, तुम राजा के साथ पीछे बैठो। देखो आप लोग सब लोग नए हो, नए माहौल में जा रहा है, तुम उसके साथ रहोगी ना तो उसे आसानी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।